अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम फन टाइम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम अली और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं शैतान साहब। जी शैतान साहब बोलिए, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आगे बढ़ो। आप एक इब्लीस हैं। क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारा चाचा मान रहा हूँ। देखिए तमीज से बात कीजिए, आप प्रोग्राम लेने आए हैं। करने आया हूँ प्रोग्राम, करने आया हूँ बातचीत करने आया हूँ, तो बातचीत करो ना तुम। अच्छा ठीक है, खैर आप मुझे ये बताएं कि आप लोग क्यों लोगों को फेंकाते हैं? हमें अच्छा लगता है इसलिए फेंकाते हैं। अच्छा देखिए, आराम से बात कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो। तुम आराम से बात करो, तुम शैतान से बात कर रहे हो। देखिए मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ, आप भी तामूल से बात कीजिए और जवाब खुल खुल के दीजिए, डरने की कोई बात नहीं। अभी मैं जब तुम्हें डराने पे आया तो तुम सोच रहे तुम्हारा क्या हशर होगा, तुम आगे पूछो। अच्छा अच्छा, आप नाराज मत होइए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए मैंने आपको बातचीत करने के लिए यहाँ पे बुलाया है और आप ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसा कोई ना होता। आप देखिए लाइव आ रहे हैं, मुझे तमीज मत सिखाओ। अच्छा भाई, आप लोगों को क्यों लड़वाते हैं? पहले मैं ये जवाब को सवाल दे दें, क्यों लड़वाते हैं? हमें लोगों को लड़वाने में अच्छा लगता है, काम काम है, हमें लड़वाने का काम है तो हम लड़वाते हैं। आगे वो खुद जाने, हम बहकाएंगे, हमारा काम बहकाना है। और एक बात बताओ, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है तीन लोगों की? देखिए तामुल से बात कीजिए, तामुल मत सिखाओ मुझे। देखिए आराम से बात कीजिए, सही है, वरना भी मौलवी है बैठे हुए, तो आपसे तमीज से जवाब दीजिए। अच्छा तो आप जिस कहाँ से आए आप? मैं कोयका से आया हूँ। कोयका में आप क्या करते हैं? कोयका में वही करता हूँ जो सब करते हैं। नहीं मसलन बताइए, आप वहाँ पे कोई ना कोई रुतबा तो होगा ही आपका। तुम यहाँ क्या करते हो? जी मैं यहाँ आपके साथ हूँ, होस्ट हूँ, मैं आपसे बातचीत करता हूँ। और मैं तुम जैसे बातचीत करने वालों के मुंह बंद कराता हूँ। देखिए आप लड़ने हैं क्या? फिलहाल तो यही मौजूद है। देखिए यहाँ लड़ना नहीं है, यहाँ बातचीत करनी था। तो तुम बातचीत तो शुरू करो। अच्छा अच्छा भाई, आप गुस्सा मत कीजिए, पानी वानी पी लीजिए। मैं बिना पानी में खून पीता हूँ, खून ये वैसे है क्या? पानी हमारे कोई काप में खून पेश किया जाता है, वो भी गर्म, हमें प्यास लग रही है, खून लेकर। वो आप बाद में ले आएगा, अभी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछो। अबे पंगा मत ले हमसे, तुझे सेकंडों में तेरा ईमान खराब कर सकते हैं हम, समझा? जो करना कर ले, मुझे आपसे बात करनी है कि आप किन चीजों से डरते हैं? डरता तो मैं वैसे किसी चीज से नहीं हूँ, लेकिन नमाज से मैं बहुत डरता हूँ। जब लोग सच बोलते तो उन लोगों से डरता हूँ, जब आज हम मिलजुल कर रह रहे होते तब डरता हूँ। बच्ची तुम्हारी शक्ल हमारे सरदार से बहुत मिलती है, आ रहे हो क्या कोई काफ में? जी नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा आप कौन से घरों में जाना पसंद करते हैं? आप कौन से घरों में जाना पसंद करते हैं? तुम्हारे घर में जाना पसंद करता हूँ, जहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते वहाँ जाना पसंद करता हूँ, जहाँ लोग सच नहीं बोलते वहाँ जाना पसंद करता हूँ। तमाम बदकार ये जो लोग करते हैं वो सब मेरे ही चेले हैं, इसलिए मैं अपने चेलों के पास जाता हूँ। अच्छा आपकी कोई फैमिली वैमिली या आप कोई पास में अकेले रहते हैं? फिलहाल तो अभी मैं अकेला हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे तुम्हारे जाने का मंसूबा याद है, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा अपने साथ कोई काम। आप शैतान कैसे बने? मैं जन्नत से निकाला गया था। किस वजह से जरा बताएंगे? मुझे ये पुरानी बातें पसंद नहीं है। देखिए आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा शैतानों के बारे में, लोगों के दिल में हमदर्दी होगी, आप बताए। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तुम सवाल करो। अच्छा तो बस आपका आखिरी सवाल, लोग ऐसे कौन से काम करें कि आप उनसे दूर भागे, यानी कि उनके घर के अंदर दाखिल हो गए? पहला तो ये कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई है। देखिए फटे हुए टाल जैसी तुम्हारी शक्ल है। देखिए मैं इस वक्त अपनी शक्ल के बारे में गुफ्तगू करने नहीं आऊँ, आप इस वक्त अभी बताएं जो आपसे सवाल पूछा गया। लोग ऐसे कौन से काम करें जिसकी वजह से आप उनके घर के अंदर दाखिल ना हो सके? मैं चाहता ही नहीं हूँ लोग ऐसे कोई काम करें, लेकिन अगर लोग नमाज पढ़ेंगे
लोग रोजा रखेंगे, हज करेंगे, तमाम सवाब के काम करेंगे, तो मेरा उस घर में आना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? फिर वही सवाल। आप एक चीज बताइए ना। फिलहाल मुझे तुम्हारे मुंह से डर लग रहा है। देखिए आप, इतना बड़ा मुंह कैसे है तुम्हारा? जी मुझे नहीं पता, खुदा ने दिया था मुझे। अच्छा, तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? खाना क्या पसंद करते हैं आप? आदमी की हड्डियां, खोपड़ी में दूध पीता हूँ आदमी की, दूध भी पीता हूँ, बाजू का गोश्त, जब खून पी सकता हूँ तो दूध भी पी सकता हूँ क्या? अच्छा अच्छा, आप बताए बताए। बहुत बदबू मार रहा है क्या? हटा उसको, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। हमें खून की आदत है। अच्छा, तो आपसे आखिरी सवाल के, तुम्हारे सवाल आखिर कब होंगे? भाई आखिरी सवाल है आपका के, आप कुछ अपनी तरफ से लोगों को अपनी हमदर्दी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप लोगों से लोग हमदर्दी करें? कुछ नहीं कहना, मेरा बस एक ही मकसद है, लोगों को लड़वाना, भेकाना। आप क्यों लड़वाते? लोग लड़े मरे। क्यों लड़वाते आप लोगों को? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये, अगर आप लोगों को लड़वाए आप लोगों को अच्छा लगेगा? किसी में हिम्मत है तो, लेकिन एक ही चीज है जो हमें लड़वा सकती है, हमें खत्म कर सकती है, वो है नमाज। लेकिन आजकल लोग नमाज नहीं पढ़ते, लोग नमाज नहीं पढ़ते, हमारे कयाम होते जा रहे हैं, लोग महक रहे हैं, इस दुनिया पे हमारा राज होगा अगर लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को ही बहकाएंगे। देखिए आप लोग ही गलत फहमी है सबसे बड़ी, बुरे लोगों के साथ साथ यहाँ पे अल्लाह के नेक लोग भी हैं जो कि आप लोगों से नहीं डरते और आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन नेक लोग बालों में आप लोगों का क्या ख्याल है बताएं? पहला, उन नेक लोगों के हम घर में भी दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग नमाजी हैं, परहेजगार हैं। लेकिन अगर पूरा मुल्क नमाजी परहेजगार होगा तब हम नहीं आ सकते। लेकिन जब तक यहाँ एक शख्स भी नमाज नहीं पढ़ेगा जब तक हम लोग आते हैं, एक शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा तब हम आएंगे। मैंने सुना है लोगों से कि आप लोगों को अजानों से डर लगता है। हमें अजानों से बहुत डर। तुम्हारा इंटरव्यू कब खत्म होगा? मुझे कोई कफ में खाना खाना है, यहाँ तुमने झूठे मुंह है खून का प्याला नहीं पूछा। देखिए हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज ही नहीं होती जो आप लोगों को खा सके। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो आप लोग खा सके। आप लोग तो खून हड्डियाँ जैसा कि आपने बताया, गोश्त खाना पसंद है। मेरी नापसंद पसंद को तुम्हें क्या करना? चले ठीक है, आप आखिरी बार कुछ कहना चाहेंगे हमसे? हमसे नहीं, तुमसे। लोग भी तो देखा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग नमाज पढ़ेंगे तो हमारी आबादी कम हो जाएगी। फिलहाल जैसा कि इन्होंने कहा आज